क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9 चैप्टर सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है हमारे पास, दिस इज अ सर्कल वेयर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एंड द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी दे मीट एट पॉइंट ई। एंगल डी बी सी इज गिवन 70 डिग्री, एंगल बी ए सी इज गिवन 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल बी सी डी, एंगल बी सी हमको फाइंड करना है फर्स्ट, सेकंड हमको फाइंड करना है इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी और बी सी इक्वल है देन वी हैव टू फाइंड एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी भी हमको फाइंड करना है। तो ई सी डी फाइंड करना, बी सी डी फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो थ्योरम यूज होगा वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो थ्योरम है कि एंगल मेड बाय सेम आर्क आर इक्वल, सेम आर्क जैसे ए सी जो आर्क है इसी आर्क पर दो एंगल्स बनता है, सपोज एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल्स जो है ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है थ्योरम में, एंगल्स मेड बाय द सेम आर्क, ये सेम आर्क ए सी पर ये दो एंगल्स बने हैं तो ये दोनों एंगल की वैल्यूज इक्वल होगी फर्स्ट। दूसरा जो थ्योरम इसमें यूज होगा वो ये होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलैटरल होता है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जैसे इन दोनों एंगल का सम 180 होगा और इन दोनों जो अपोजिट है, अपोजिट यानी आमने सामने, ऐसे अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये दो थियोरम्स है जिसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको फाइंड करना है एंगल बी सी डी। फॉर दैट आप देखेंगे ये जो आर्क है बी सी, ये सेम आर्क बी सी पर दो एंगल्स बने हैं, ये जो आर्क है बी सी इस आर्क पर देखिए दो एंगल बना है, एक ये वाला एंगल बना है एंगल बी ए सी और ये दूसरा एंगल बना है बी डी सी। ओके, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ओके, तो ये क्या होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी और जिसका रीजन होगा एंगल्स ऑन सेम आर्क। तो एंगल बी ए सी हमारे पास 30 डिग्री गिवन है तो इसीलिए एंगल बी डी सी जो है ये 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल हमको 30 डिग्री मिल गया। अब आप देखो ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में आपको दो एंगल्स गिवन है, एक एंगल है 70 और दूसरा है 30, तो वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसको लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल बी डी सी, इस ट्रायंगल में एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। इसका रीजन हम लिखते हैं एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल बी डी सी जो है ये है 30 डिग्री, एंगल डी बी सी जो है ये है 70 डिग्री और एंगल बी सी डी हमको फाइंड करना है। तो ये 30 प्लस 70 होगा 100 और वो 180 से माइनस होगा, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो 80 डिग्री हमको मिल गया एंगल बी सी डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया, मतलब फर्स्ट चीज़ हमको फाइंड करना था, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया हमने। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसका सेकंड पार्ट में इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमारे पास गिवन है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये ए बी है और ये बी सी है, अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो वी हैव टू फाइंड एंगल ई सी डी, ई सी डी हमको फाइंड करना होगा, ई सी डी इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब आप देखो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी और बी सी अगर इक्वल है तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन वी कैन से एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। ये देखिए इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल है बी सी से, तो बी सी का अपोजिट एंगल है ये वाला और ए बी का अपोजिट एंगल है ये वाला, तो ये वाला एंगल जो है वो किससे इक्वल होगा, इस वाले एंगल से इक्वल होगा, यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल
एंड बोथ विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. और इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, तो हमको ये वाला एंगल मिल गया है 30 डिग्री. अब हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल. तो अब ये बहुत इजी हो गया बिकॉज ये पूरे एंगल का वैल्यू हमारा 80 डिग्री आया है. इस पूरे 80 में से इतना पोर्शन 30 डिग्री आ गया, तो जो बचा हुआ है वो क्या होगा, 80 माइनस 30 दैट इज 50 डिग्री. तो एंगल बी सॉरी ई सी डी